एक बार ऐसे न्यूज़ में हम लोगों ने सुना था, एक लड़की बस जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ और पीछे से एक जीप आई, या तो कमेंट पास कर रहे थे, लड़कों ने सोचा कि चलो खींच लेते हैं, तो वो पीछे मुड़ के अपोज कर दी और बाद में ऐसे सुनने में आया कि उस लड़की के ऊपर उन लोगों ने एसिड फेंक दिया। तो ये सब उनके ईगो पे आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब कैसे बोल दी ये लड़की मेरे को, ऐसे कैसे बोल के चली गई। हाँ, उससे बड़ी बात लड़की होकर के कैसे बोल दी। जनरली इफ यू सी लड़कियां अपने पैरों को दबा के बैठती हैं एंड लड़के ऐसे बैठते हैं जैसे कि उनका तो राज है। कभी कभी लेकिन शेयर्ड ऑटो में क्या होता है कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। कभी तुम आराम सोचोगे कि हाँ शेयर्ड है तो बैठ जाते हैं, ले जाते हैं, चले जाते, प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे बगल वाले इंसान तुमको पिंच करता है या फिर पूक करता है। वो थोड़ा सा लड़के हिचकिचाएंगे भी बोलने से कि ये मुझे पिंच कर रहा है, वो बस इतना बोल के रह जाएंगे कि भैया ये अच्छे से नहीं बैठे, इसको थोड़ा दूसरे जगह बैठाओ, या फिर बात लड़कियों पे आ जाती है कि मैम आपको प्रॉब्लम होता है तो आप दूसरे ऑटो ले लो, आपको नहीं पता लगेगा क्या हुआ है, बस आपको फील हुआ है कुछ हुआ है, लेकिन आप किसी पे जाके सीधे ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ इस आदमी ने किया उस आदमी ने किया। मुझे लगता है लोग एक्चुअली लड़कियों को ऑब्जेक्ट जैसे ही देखते हैं, क्योंकि कभी कभार नोटिस किया है लड़के लोग ऐसे आएंगे, मतलब गाड़ी अगर कोई ब्रांड न्यू है ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल हाथ लगाते हुए जाएंगे क्या गाड़ी है, कभी कभार बहुत ज़्यादा लगा तो पत्थर वगैरह ज़्यादा ही उनकी जल रही है तो पत्थर से स्क्रैच मारते हुए जाएंगे। हाँ। तो क्या है ये एक तरीका कि उसके पास इतना अच्छा कैसे सेम चीज़ जैसे एज इफ लड़कियां हाँ मतलब ऑब्जेक्ट्स ही है उनके लिए। वो इंसिडेंट्स मुझे आज तक याद है, ऑल्दो उसे बीते हुए 8-10 साल हो गए, बट स्टिल वो एक छोटी सी बात जो इतने सालों पहले हुई थी वो आज भी मुझे याद है। या फिर कभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा और फिर वो पूरा दिन भर का बात कुछ और याद नहीं रहेगा, बट एक वो चीज़ आपको बात रहेगी, याद रहेगी, और जब जो भी अभी हो रहा है वो अच्छा हो या बुरा हो मूड हमेशा ख़राब रहता है क्योंकि आपको याद रहती कि वो बात हुआ है आपके साथ। आप ऐसा फील करते हो कि अभी कुछ और होने वाला है जो कि गलत होने वाला है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मे भी हम लोग अभी करने का मन हो तो आप सोचते रह जाते हो क्या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अरे वो लोग क्या बोलेंगे ये लोग क्या बोलेंगे, तो फिर नहीं करती हूँ सिर्फ ये सोच के कि आजू बाजू वाले क्या सोचने वाले। मतलब एक छोटी सी डिसकम्फर्ट थिंग जो कि दूसरों के स्टेयर से रिलेटेड है वो आपको अपनी मनचाही चीज करने से रोकती है। हाँ, बस लोग आपको ऐसे देखते हैं फिर आप सोचते हो कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, मे भी वो गलत नहीं होगा, वो एक चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, मेरे को ऐसे कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गाउन्स पसंद है, मुझे फ्रॉक्स पसंद है, फिर समथिंग, पर आप सोचोगे कि अरे नहीं फिर मैं ये पहन के निकल गई तो पूरा दुनिया भर अपना काम छोड़ के मेरे को देखने लग जाएगा। तो लड़का हो या लड़की हो सेल्फ एस्टीम एक सबका रहता है, तो उसको ईगो में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। तो खाली ऐसा नहीं कि लड़कों का ही ईगो है या फिर उनका ही वैल्यू है, लड़कियों का भी होता है तो उसका तो ख्याल रखो। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं इसीलिए तुमको दिख जाती हैं, बट जो छोटी छोटी बातें हैं उनको कौन पूछने जाता है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि बगल वाला इंसान जो है वो खिड़की पे आता है हम लोग को छेड़ता है या फिर झांकता है इसलिए हम लोग कर्टन्स डाउन करें जस्ट बिकॉज कि उनको देखना होता है। अब ये तो नहीं बोलोगे ना, दिस इज़ नॉट न्यूज़। वो चीज़ें तो जैसे कि किसी का रेप हुआ या फिर किसी पे एसिड अटैक हुआ है वो बड़ी बातें हो जाती है तो वो न्यूज़ पे आ जाती हैं तो लोग उसको देखते हैं और जानते हैं, पर छोटे छोटे चीज़ों को कोई एक्नॉलेज नहीं करता। पर ये बात बहुत गलत है क्योंकि सारा जो बड़ा बात है ना उसका जड़ एक्चुअली छोटी छोटी बातें ही हैं, उतनी ही अनकम्फर्टेबल हैं जितनी वो बड़ी बातें हैं।